स्वीटीज़ किचन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बनाएंगे नहीं बल्कि आज मैं बताऊंगी आप मेहंदी से किस तरीके से अपने बालों को अच्छा कलर दे सकते हैं, वो भी घर पे। तो देखिए, उसके लिए अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने मेहंदी के लिए क्या क्या लिया है। ये मैंने मेहंदी ली है, आप इसकी जगह कोई भी मेहंदी ले सकते हो। मैंने ये पतंजलि के लिए, आप चाहें जो आप लगाते हो अपने बालों में वो आप ले सकते हो। ये मैंने मेहंदी का तेल लिया है, जो आपने देखा होगा अगर हम मार्केट में मेहंदी लगवाते हैं तो मेहंदी वाले पहले इस तेल को लगाते हैं, उसके बाद हमें मेहंदी लगाते हैं ताकि इससे मेहंदी का कलर है वो अच्छा आए। ये मैंने लिए कत्था पाउडर, ये वही कत्था पाउडर है जो हम पान खाते हैं तो उसके ऊपर लगा के देते हैं, इससे जो है बालों का कलर वो रेडी हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा पान वालों के हाथ या जो लोग पान खाते हैं उनके दांत थोड़े थोड़े रेड हुए रहते हैं। ये मैंने लिया है आंवला पाउडर, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और कत्था भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये मैंने लिया है, मैंने ये है चाय पत्ती का पानी, इसमें मैंने 3-4 लौंग डाल के और 3 चम्मच चाय पत्ती डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया और अब इसको ठंडा कर लिया। तो अब मैं आपको इसका मिक्सचर बना के बता देती हूँ किस तरीके से हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए लिया है मैंने ये लोहे की कढ़ाई, आप चाहें तो मार्केट में लोहे के बाउल वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। जब भी आप मेहंदी को भिगोएं बालों में लगाने के लिए तो याद रखें हमेशा लोहे के बर्तन में ही भिगोएं, क्योंकि वो मेहंदी में आयरन मिक्स हो जाता है तो इससे कलर हमारा है वो अच्छा आता है। तो आप हमेशा जब भी मेहंदी लगाएं इसलिए उसके लिए आप लोहे के बर्तन का ही यूज करें। तो अब मैं अपनी पूरी मेहंदी इसमें डाल देती हूँ, आप जितनी मेहंदी आपके बालों में लग जाए उतनी मेहंदी डाल लीजिए। मैंने पूरा पैकेट डाल लिया, अब इसमें मैं ये कत्था पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, ये डाल देती हूँ। अब मैं 2 चम्मच इसमें डाल देती हूँ ये आंवला पाउडर, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैंने ये 100 सारा सामान है, ये 100 ग्राम मेहंदी के लिए बता सकती हूँ, ये 100 ग्राम के लिए। आपके बाल हल्के हैं या हैवी हैं तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं मेहंदी को। इसके बाद डालती हूँ मैं कुछ ड्रॉप मेहंदी की तेल की, इससे है जो कि हमारे बालों का कलर है वो अच्छा आ जाएगा। 4-5 मिनट बूंद में डाल देते हैं। अब इस पानी से थोड़ा थोड़ा डाल डाल के हम मिक्स करते जाएंगे और इस ताकि इसमें लम्स ना पड़े इस तरीके से, और इसको मिलाते हुए पूरे को। सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हमारी मेहंदी ज़्यादा गीली हो जाएगी और पानी एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। इस तरीके से आप अगर मेहंदी लगाएंगे तो आपके बाल हैं वो काफ़ी शाइन भी करेंगे और इससे कलर भी अच्छा आएगा। इस तरीके से मेहंदी लगाने का सबसे मेन पर्पज़ हमारा यही है कि बालों में मेहंदी का कलर है वो अच्छे तरीके से आए। आपको कम लगे तो आप पानी और मिला सकते हैं, आप पानी को ठंडा करके उसके बाद ही ये मिक्सचर बनाएं। देखिए अभी तक इसमें कोई लम्स नहीं आया है। मेहंदी को मैंने अच्छे से भिगो दिया है, इसमें पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अब ज़्यादा डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगी और हमारे सर से
मेहंदी बह बह के बाहर निकलने लगेगी। और जब भी हम सर में मेहंदी लगाते हैं तो हमारे फोरहेड ईयर्स पे मेहंदी लग जाती है, उससे मेहंदी का कलर एंड पे आ जाता है। जब भी आप मेहंदी लगाएं तो अपने फोरहेड ईयर्स या चिक पे वैसलिन लगा लें, उसके बाद ही आप मेहंदी लगाएं। इससे आपके फेस पे मेहंदी का कलर नहीं आएगा, क्योंकि मेहंदी का कलर आ जाता है तो फेस हमारा बहुत ही गंदा दिखने लग जाता है। हमारी मेहंदी घुल के तैयार हो गई है। अब इसको मैं फुल नाइट रख दूँगी और सुबह आपको दिखाऊँगी ये मेहंदी किस तरीके से। अगर हमने इसमें मैंने ज़्यादा पानी भी नहीं डाला, आपको दिखी होगी काफ़ी थिक है। अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएगी तो मैं इसमें सुबह और पानी मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको अपने बालों में लगा लूँगी। और आप इस तरीके से आप मेहंदी को लगाएंगे तो आपके बाल हैं वो काफ़ी शाइन करेंगे। ठीक है, मैंने पेस्ट बना के इसका तैयार कर लिया है। मैंने मेहंदी को ओवरनाइट भिगो दिया था, लगभग ये 7 से 8 घंटे भीग चुकी हैं। और देखिए साइड से ये ब्लैक ब्लैक लेयर भी आ गई है इसके, क्योंकि ये हमने कढ़ाई में भिगी थी लोहे की में, तो इसने आयरन छोड़ दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है काफ़ी थिक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए आपको एक भी लम्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, पूरी मेहंदी कितनी चिकनी और स्मूथ दिख रही है। और इस तरीके से जितना हमें चाहिएगा उतना हम पानी डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो मेहंदी हमारी काफ़ी पतली हो जाएगी, जो बालों में से बाहर निकलने लगेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।